गाइस, गुड आफ्टरनून। तो क्या है ना, मैं बहुत ही ज्यादा फास्टली रेडी हो रही हूँ। अभी अभी क्या है ना, फोन आया था मेरे लिए कि तुझे जल्दी से है ना मुझे पास में गांव में आना है। और गांव में क्यों जा रही हूँ उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में, बहुत ही खास है मेरे लिए, इसीलिए जा रही हूँ। मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो रही है, आ रही भी नहीं है तो मैं आसानी से जा सकती हूँ वहाँ पे। तो ठीक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब दीपू को देखती हूँ जाके वो रेडी हो गई क्या, उसी को जाके देखती हूँ। इन सबको तो मैं आके रखूँगी, कुछ लेट हो जाएगा फिर काम नहीं होगा जिस काम के लिए हम जा रहे हैं। तो दीपू को देखती हूँ जाके एक बार। तो अभी दीपू को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताजा पानी की लोटी भर के लाई हूँ। अरे दीपू का इंतजार भी हो जाएगा, पानी पी लेती हूँ। मेरे बालों के लिए शैम्पू बताओ, मेरे बाल है ना बहुत ज्यादा झड़ते हैं और उलझते भी है बहुत ज्यादा। कटवाने का मन करता है बट क्या करूं, कटवा नहीं सकती। इतनी जल्दबाजी में तो ना क्या आई हूँ, बहुत ही जल्दबाजी में ज्यादा झट क्या था तो फोन उसने। मैं तेरे लिए लगा रही हूँ नेन पेन। लगा ले, मैं तब तक बाल बाल लेती हूँ। बालों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है मेरे को, बाल में बहुत ज्यादा। तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों। धूप काफी अच्छी हो रही है आज तो। 29 नंबर में चल रहा है, देखते हैं तूफान में। ना ना, तेजी अजय ने मना कर दिया। इस काम के लिए जा रही हूँ ना, ठीक है कि वो काम आज ही हो रहा है, नहीं तो कल जाना पड़ता मेरे को। कल के लिए बोला था। कल तो मेरा पास्ट है तो कल तो वहां जा नहीं सकती थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती क्योंकि घर पे भी बिजी रहेंगे ना। देखो फ्रेंड्स, कितने धीरे धीरे मेकअप कर रही है। मैं कह रही हूँ जल्दी चलना है, ये धीरे 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 करी जा रही। फ्रेंड्स फाइनली अब हम जा रहे हैं, इसे धूप भी लग रही है, कोई ना सर्दी थी ना तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं अब जा रहे हैं, चलते हैं, बने रहे वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, लाइक जरूर जरूर। बैठो गए थे नाने में, तो चलते हैं वहाँ पे मिलते हैं। ट्राई करा ले अंडा तावड़ो यार। तो रोड पे आ चुके हैं, तो बस का वेट कर रहे हैं, बस में जाना है। देखते हैं कितनी देर लगती है। हमारा इंतजार हुआ खत्म, बस आ गई है। देखो और 29 नंबर, उसको रोके। आखिर इतनी मेहनत के बाद हमने बस को रुका लिया और मंजिल पे पहुंचने वाले कुछ देर में। ये हमारी बस यहीं पे स्टैंड है इनका, यहीं पे रुकती है सारी बसें। तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जाना है रोड क्रॉस करके। नहीं पता कितने के अंदर जाना है। और मैं कॉल करती हूँ, पता नहीं कहाँ तक है वो आंगनबाड़ी। थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया उसको क्यों। ये बच्चे हैं यहाँ पे। हाय बच्चों, एजुकेशन क्या तेरी, क्या करती है गृहिणी और हस्बैंड कितना पढ़े। तू देख ना सातू लंबी है। आसा आए। तुम किसी तरह बड़ी कर दो। और एक बड़ी कर दो। एक साथ
जांच की पर्ची कहाँ है? पेंशन वो लेके आना चाहिए था। आधार की डेटा रिपोर्ट वो भेज देती कोई कौन सी डिलीवरी है तेरी दूसरी इससे बुखार है और इससे बुखार होगा ले गाड़ी कैसे बना दूँ इसके हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ चाहिए नहीं नाम तो लिख देना पर्ची भिजवा दे डायरी की फोटो कॉपी तो सारी चीज चाहिए भिजवा दे काफ़ी दर्द हो रहा है अभी होगा पाक की बाद में उसने बोल दिया साफ साफ कि बहुत सारा सूजन आ जाएगा बहुत दर्द हो रहा है वो खुद बोल रही थी ना कि दूसरा लगा दर्द वाला हो गया वैसे बोल रही थी अब दूसरा हो गया चेंज हो गया तो बर्फ़ जमाऊंगी जाते ही फिर से करूँगी शाम को शिकाई और दर्द हो रहा है अभी तो फ्रेंड्स हम घर पे पहुंच चुके हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है तो मैं पापा जी से जो लेके आई थी ना क्या लेके आई थी ये लेके आई थी ना पेटे और पानी पी लेती पहले मेरे गले में खराश हो रही है बहुत तेज